सब्जी मंडी में। ये देखो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस, दिस इज सचित। अभी उठे हैं, जरा अपना ड्रिंक वगैरह लेते हैं, जो भी अपना चाय की जगह हमने चालू किया वो सब लेके थोड़ा फ्रूट्स खा के चलते हैं। अभी जरा बैंक जाना है, लेट हो गया, 11 बज गए और हम उठे हैं क्योंकि रात को एडिटिंग करते करते बहुत लेट हो गया, सोए ही लेट, तो एडिटिंग ज़रूरी है तभी तो नेक्स्ट डे ब्लॉग आएगा, वरना ब्लॉग कैसे आएगा। सो अभी एडिटिंग वगैरह हो गया है, फिर चलते हैं, जरा बैंक जाते हैं, फिर दिखाते हैं आप आज क्या होता है, क्योंकि कल तो देखा आपने कैसा दिन था, क्या और क्या हुआ था, यहाँ देखो वहाँ परेशानी, गाड़ी से परेशान हो गया था मैं, इतना परेशानी, पर आज देखते हैं कि क्या होता है। सो चलो चाय पी के मतलब अपना ड्रिंक पी के और थोड़ा कुछ खा के निकलते हैं। और ये इनसे मिलो, ये है कैस्पर। कैस्पर मेरा फेस दिखाते बेटा, दे दो। तो अभी बैंक आए हैं, ये अपना बैंक है, इस बैंक का काम निपटाते फिर आपसे बात करते हैं। इस बैंक में आने में बड़ा मज़ा आता है, अब वहाँ का टिकट वगैरह ना जो स्टाफ है ना उसको देखो एकदम मेंटली एकदम इरिटेट हो जाते हैं लोग, ऐसे ऐसे लोग आते हैं ना, ऐसे ऐसे सवाल कुछ समझाने का आदमी नहीं समझता है, कुछ ज़्यादा बताता हूँ आपको, कभी ये बहुत टाइम पास है, जो कॉमेडी जैसा है जो पिक्चरों में दिखाते ना। अब यहाँ से इडली लेते पार्सल, कैसा लेट एक दिन आप पार्ले बिस्किट दो ना, वैसे भी जरा दूध वगैरह लेने आए यहाँ पे। तो गाइस अभी अपना नाश्ता हो गया, तो बीपी का टैबलेट, एक खाना अपन करें, आप लोगों को खाना ना पड़े डेली सुबह सुबह नाश्ते के बाद, फिर बीपी खाना, पहले खाने से पहले थायराइड का खाओ, बहुत बेकार बीमारी है ये, आप अपने साथ ही ऊपर जाएगी। चलिए खाते हैं फिर निकलते हैं। जरा वो इडली लिया है भांजे के लिए, उसने बोला उसको फ़ोन आया था इडली लिया था, तो उसको भी क्योंकि उसको वहीं का इडली पसंद है। ये इनको देखो, पूरा घर में जगह कम पड़ गए, ये मेरे दवा के इसके ऊपर सोना है, इसको हमेशा मेरे गोद में ही सोना रहता है। भाई कैसे बस छोड़ो, हाँ अभी लेट जाओ, लेट जाओ बस, हाँ देख तो लेट नहीं बोला ना, तो पूरा लेट नहीं है, हाँ लेट नहीं है बोला, गुड 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 गुड, बहुत खेलता है मेल है ये, इसको बहुत खेलता है। हाँ देखा देखा देखा, इसको मस्ती देखो, खाली मस्ती देखो, हाँ क्या गुड 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 गुड, हाथ मेरा पकड़ के काटता नहीं है एक्चुअली, ऐसा लेगा मुंह में और थोड़ा वो करेगा, ये लोगों को ऐसा लगता है कि काटते हैं क्या होता है, आप जो भी खेलते हो ना डरते हो ना और सडनली ऐसा हाथ खींच देते हो तो लग जाता है उसका दांत, बट कुछ लोग लगता है अरे काट लिया काट लिया, ऐसे खेलते हो इसके लिए ना, खेलो तो ऐसा खींचो मतलब, मैं अभी खींच दूंगा इसका दांत मुझे लग जाएगा, देखिए कितना मुँह में, अरे कैसा दांत भी लगाया इसका, मगर काटते नहीं है लोग सिर्फ खेलते हैं। तो गाइज़ अभी हम लोग यहाँ पे आए, जब मैंने एक्चुअली दो टी शर्ट लिया था जो मुझे फिट नहीं हुई, घर पे जाके देखा तो बराबर है, तो यहाँ पे एक्सचेंज करने आए, और ये काया करके, काया ना भाई, काया फैशन करके है, ये मालवणी 5 नंबर में है, तो आप लोग यहाँ आओगे तो इनके अच्छा कलेक्शन है, जीन्स वगैरह के, टी शर्ट्स वगैरह भी है और ट्रैक वगैरह भी रखते हैं, ट्रैक पैंट्स वगैरह, आइए बहुत अच्छी शॉप है। और ये भाई से मिली है, क्या नाम होगा आपको, अहमद, अहमद ठीक है, तो ये आपको हेल्प करेंगे जो भी आपकी नीड होगी। यहाँ पे 1 नंबर पर भी अटक गया, बारिश आने लगी है, गए थे 5 नंबर अपना वो टी शर्ट लिया था, तो क्योंकि मॉल्स वगैरह अभी जा नहीं सकते, तो हमने सोचा चलो यहीं से ले लेंगे, मलाड वगैरह भी अभी जा नहीं रहे, स्टेशन वगैरह पता नहीं बहुत गर्मी भी होगी, तो यहीं से ले लिया, अभी देखते हैं बारिश होगी। और ये भांजे का इडली लिया है तो खाने का है, और उसका लेट हो गया अभी, और जैसे भाग रहे थे बारिश में, देखो क्या कर रहे, देखो बारिश, अभी दीदी के यहाँ आए और ये दोस्त यहाँ क्या इन लोग चालू है, पुराने गाने सब सब पुरानी पुरानी यादें ये लोग देख रहे हैं। और मेरी बहन के आगे ना सबसे अच्छा मुझे क्या लगता है मालूम है, ये देखिए ये विंडो से ये जो व्यू है ना मुझे बहुत पसंद है, मतलब और ना दिन में इतनी हवा आती है ना, आपको यहाँ पे ना पंखे की ज़रूरत है ना एसी की ज़रूरत है, मस्त है। खाना ना खाया आज, खाना दीदी कहीं हो गया, पेट फुल है और अभी रेस्ट किया था, रेस्ट में सोया नहीं, हम बैठे थे बातें कर रहे थे, पुराने पुराने गाने देख रहे थे, वो 90s के, फिर 60s के, ऋषि कपूर, अपना काका, ये सब, तो उसमें टाइम पास किया। और अब हम निकल रहे हैं ज़रा शॉपिंग करने जा रहे हैं, मालूम है किस चीज़ की शॉपिंग, भाजी की शॉपिंग,
वेजिटेबल्स लेने जा रहे हैं, तो चलते हैं वेजिटेबल लेते हैं। आप लोगों ने कभी वेजिटेबल खरीदा है? मतलब मैं फीमेल्स हो जाती हैं, मैं मेल लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोग खरीदते हो तो बताना मुझे कि आप लोग बार्गेनिंग करते हो नहीं करते हो। हमको तो हमारे डैड ने सब कुछ सिखाया है। अच्छा गाइस, एक चीज़ मैंने देखा है, ये जो भाजी वाले भी होते हैं ना, बड़े अलग किस्म के रहने। मेल जाएगा और उसको बोलेगा भाई 10 रुपये की भाजी है, अरे 9 रुपये लगा दो, बंदा नहीं कम करेगा। फीमेल जाएंगी और बोलेगी भैया 6 रुपये में देते हो, बोला नहीं भाई 7 में देते हो, वो 7 में दे देगा। मतलब 10 का 7 रुपये में देगा, 2-3 रुपये कम कर देगा। हम जाएंगे मेल तो हमारे लिए 1 रुपये भी कम नहीं करता है। अजीब है भाजी वाले लोग भी। क्या कर रही है, क्यों बार बार खोल रही है? मैं खोली नहीं, ऊपर ले आ रही हूं दवाई। मारवा पता करो। हाय ये भैया, ये टाइम पास लड़की है, हम लोग को जाने नहीं दे रही है, खाली वो बजाते जा रही है। भाई कैसे है? और पालक? पालक 20 का है कि 10 का है कि 15 का? 15 का दो। 20 का 20 का दिन है। तो वैसे अभी भाजी ले रहे, भाजी खरीद के चलते घर। ये सब्जी मंडी में, ये देखो ये अपने भाजी वाले हैं। हम लोग यहाँ से नॉर्मली हमेशा लेते हैं, मार्केट में आके भाजी खरीदते हैं। तो वैसे अभी भाजी ले लिया हमने और अभी चल रहे हैं। और भाजी आप देखोगे भाजी कितना लिया है, दिखाता हूँ। ये देखो, ये दो नीचे ऊपर, एक मेरा है एक मेरी बहन का है। कहाँ रुक गए थे? हो गया ना। चलो गाइस, क्लाइमेट देखो क्या मस्त है। और वो दूर है ना, वहाँ बारिश हो रही है, बट यहाँ देखिए यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। अब वहाँ से ऐसा बारिश होते हुए इधर आएगी। ये हम लोग हमेशा ये नज़ारा देखते हैं, सोचा आज आपको भी दिखा दूँ। दिख रहा है आपको क्लाउड? देखिए कितना घना हो गया एकदम। ये देखिए भाजी हमने लाया और मेरी माँ का स्टार्ट हो गया अभी। सब भाजियाँ सब तोड़ तोड़ के रखेंगे बीच में। और इनको देखो, इनको देखो जरा, ये देखो मेरे पैर के पास घूमते रहेंगे बाहर से आया नहीं। ये देखो इनको कितना दिन भर इनको प्यार करते हो, इनको फिर भी कमी है। तो अभी भाजी लेके आ गए, शॉपिंग किया, अच्छा लगा। मतलब कुछ नया एक्सपीरियंस, सब्जी मंडी में पहली बार ब्लॉगिंग किया हमने। ये जो चीज़ें हैं ना, हम जो अभी डेली ब्लॉगिंग का ये सब हम जब जा रहे हैं ना पब्लिक में, तो कुछ नया एक्सपीरियंस मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। डेली ब्लॉगिंग से हमें कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है। और कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो बनाते रहूँ। ऑल सेट अपना टारगेट हिट करने के लिए अभी जा रहे हैं। अपना टारगेट जो है 10,000 स्टेप्स वो करने। तो गाइस अपना वही डेली रूटीन वॉकिंग चालू है वेट लॉस के लिए। और अभी तक हमने 7,000 प्लस स्टेप्स कर लिए हैं और 2,500 स्टेप्स बाकी है, तो कंप्लीट करेंगे। अभी अंधेरा हो गया, थोड़ी देर बाद आपको वॉक ख़त्म करके फिर बोलता हूँ। और मेरी सिस्टर भी मेरे साथ में कर रही है, ये भी ऑलमोस्ट 10,000 स्टेप्स डेली कर रही है मेरे साथ में। तो हम लोग मिल के कर ही रहे हैं, कोशिश चालू है, कोशिश एक आशा करेंगे। तो गाइस फाइनली हम अपना टारगेट कंप्लीट करके आज यहाँ बैठ गए। और श्रेया पागल, ये पागल देखो लोग, ये पागल ही है, मेंटल है ये ना, खेल कूद के आके अभी बैठी है। और ना हम लोग तो अभी आवाज़ आ रही है, श्रेया देखती भी नहीं, अपने फ्रेंड सर्कल में घूम रही है, हम लोग पूछ भी नहीं रही है। एक्चुअली तबियत बहुत प्यास लगी थी, हमने सोचा श्रेया को बनाया जाए, ऊपर घर से पानी ले गया। तो लड़की पागल है, खेल रही है, हम लोग को ध्यान ही नहीं दे रही है। ठीक है, हमारी भी बारी आएगी, हम भी इसको नहीं इग्नोर करेंगे। सो गाइस अभी फ्रेश सब हो गया है, जाएंगे तो रिलैक्स करेंगे, घर जाके फ्रेश होंगे और जल्दी सोएंगे। क्यों क्या है, एडिटिंग करना है, जल्दी तो सो नहीं पाएंगे, सॉरी, क्योंकि एडिटिंग करना है। रात को बैठ के एडिटिंग करेंगे, तब सुबह वीडियो आएगा। तो आज को वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, श्रेया के बोलने पे ज़रा सुनना, सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली में शेयर भी करना है ना। श्रेया जल्दी बोल रही है, देखो कितने प्यार से, तो प्लीज़
शेयर करिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।